दोस्तों नमस्कार, ये SRP की पावर सप्लाई मेरे पास आई है। देखिए इस तरह की पावर सप्लाई है, जिया की पावर सप्लाई है 15 आर की। इसमें देखिए MOSFET का हालत क्या हुआ है, MOSFET में ऐसे स्पार्क हुआ है, ये लेग्स के बीच में आप देखेंगे ब्लैक हो गया है। तो ये होता क्यों है, ये जब पानी वगैरह चला जाता है या कुछ लिक्विड वगैरह ऐसे गिर जाता है इसमें शॉर्टिंग होने के कारण, तो इस तरह का स्पार्क हो जाता है और आपका MOSFET डैमेज हो जाता है। ये MOSFET है PFC सर्किट का, इसको हमने निकाल दिया है। देखिए इसके साथ में ये रेजिस्टेंस ओपन होता है, जब MOSFET शॉर्ट होता है तो ज़्यादा करके आपका फ्यूज ओपन हो जाएगा और ये रेजिस्टेंस जो है गेट से ग्राउंड रहता है 0.1 ओम्स वगैरह का रहता है, ये ओपन हो जाता है। तो इसका ये ओपन हो गया है तो हमने निकाल दिया है। अब इसके बारे में हम आपको थोड़ी जानकारी देना चाहेंगे इसके बारे में, बहुत लोग पूछते रहते हैं तो मैं उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। इसमें आप क्या क्या चेक करें, देखिए हमने ये निकाल दिया है MOSFET और रेजिस्टेंस निकाल दिया है यहाँ पे, और यहाँ पे जो है PFC IC लगी हुई है, और इसके बाद में हम आपको चालू करके दिखा रहे हैं कि इसमें सप्लाई आएगी। PFC सर्किट जब हमारा ख़राब होता है, अगर उसमें कुछ शॉर्टिंग रहता है तो हमारा फ्यूज वगैरह जाएगा, लेकिन जब आप PFC का शॉर्टिंग निकाल लेते हैं उसके बाद SNPS अगर आपका ओके है तो आपकी सप्लाई आ जाती है। जैसे कि इसमें देखिए हमने MOSFET और रेजिस्टेंस निकाल दिया है और ये सप्लाई देखिए आ गई है। यहाँ पे देखिए आप एक लाइट LED लाइट जल रही है, ध्यान से देखिए, और इसकी सप्लाई भी आ रही है, थोड़ी सी कम आ रही है। इसका खाली इग्नेटर की सप्लाई जो इस पिन पे आती है 380 आनी चाहिए, वो 380 नहीं आएगी, ये 325 330 के आसपास आएगी। लेकिन जब हम इसको SRP में लगाएंगे तो ये पावर सप्लाई काम नहीं करेगी। काम क्यों नहीं करेगी, जब तक हमारा PFC सर्किट काम नहीं करता है तब तक सप्लाई हमारी प्रॉपर वोल्टेज नहीं देती है। ये जो SNPS का वोल्टेज है ये ब्लिंक हो सकता है, आपकी SRP भी ब्लिंक होगी, बंद चालू होगी, और इग्नेटर लैम्प का काम नहीं, इग्नेटर काम नहीं करेगा, इसलिए लैम्प बराबर नहीं आएगा और SRP आपकी बराबर काम नहीं करेगी। PFC का काम यही होता है, सप्लाई को बूस्ट करना कंडेंसर के ऊपर और करंट को मेंटेन रखना। जब PFC काम नहीं करता है तो हमारा करंट लोड नहीं लेता है, लोड देने के बाद में सप्लाई ब्लिंक होना चालू हो जाती है। अभी ब्लिंकिंग नहीं दिखा रहा है लेकिन ब्लिंकिंग आ जाती है, तो आप इसके लिए PFC ओके करना है। PFC सर्किट में आपको क्या क्या करना पड़ता है तो आप देखिए, जैसे मैंने MOSFET निकाल दिया है और रेजिस्टेंस निकाल दिया है, तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस डाल देंगे लो वैल्यू का, और ड्राइव चेक करेंगे हम इसके सोर्स पिन पे अगर ड्राइव हमारा बराबर आएगा तो हम ये MOSFET डालेंगे, और उसके बाद में यहाँ पे वोल्टेज चेक करेंगे। यहाँ पे 380 वोल्टेज अगर प्रॉपर आ जाता है, इस कंडेंसर पे भी वही 380 वोल्टेज आएगा, वो प्रॉपर आने के बाद में हम सप्लाई को SRP में लगाएंगे। अगर ये सप्लाई बराबर नहीं आती है तो हम इस सर्किट में चेक करेंगे कि वो MOSFET जाने के बाद में IC के आसपास के सर्किट में कुछ भी प्रॉब्लम आता है, जैसे रेजिस्टेंस SMD में कोई ओपन हो जाता है, डायोड शॉर्ट हो जाता है, तो उसको हम चेक करके दूर करेंगे। ड्राइव बराबर आने के बाद में ही MOSFET को डालना है आपको, इस बात का आप ध्यान दें। मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक का बटन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।